अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुभ लाहौरी। एंड दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ रॉन्ग फ़ोन्स के बारे में, यानी ऐसे फ़ोन्स जो आज की डेट में पाकिस्तान की मार्केट में न्यू में अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अच्छी वैल्यू उनके अंदर देखने को नहीं मिलेगी और आपको अपना कीमती पैसा उन फ़ोन्स पर स्पेंड नहीं करना चाहिए। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो माल थोड़ा ज़्यादा है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, ऐसा ना हो कि आप स्किप करके देखें और बाद में फिर किसी रॉन्ग फ़ोन को बाय कर बैठें। अब मेरा एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी ब्रांड को डीफेम करना ग्रेट करना नहीं है। ब्रांड का काम है अपना काम करना, अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना अपने यूजर के लिए, अपनी फैन बेस के लिए। और एज ए टेक रिव्यूअर मैं समझता हूं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के बाद ब्रांड्स को अपना फीडबैक देना और अपनी ऑडियंस को अपना प्योर ओपिनियन देना, जो डिपेंड कर रही होती है हमारे ओपिनियन पे जब भी कोई डिवाइस मार्केट के अंदर आती है कि उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो लिस्ट को मैं ब्रांड वाइज लेके चलूंगा और सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कुछ बड़े ब्रांड्स की, लाइक दी ब्रांड की। अब सैमसंग देखिए, नो डाउट एक बहुत पुराना प्लेयर है, बहुत अच्छा और बहुत प्रीमियम प्लेयर है, ऊपर की रेंज के अंदर अच्छा खेलता है, लेकिन बजट से मिड रेंज के अंदर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा सैमसंग को। गैलेक्सी जीरो टू देख लें इनका। अब ये फोन 4 से 5 महीने पहले आता है, 17-18 के अंदर इसके दो वेरिएंट्स आ रहे हैं, 3/32 और 3/64 वाले। हिसाब लगाएं 2021 के अंदर एक क्वाड कोर चिपसेट दिया जा रहा है थका हुआ मीडियाटेक का 6739 वाला, जो 28 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड है। और यहां पर ना फेस आईडी है ना फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। तो क्या यार, मतलब इस सेगमेंट के अंदर आपको G70, G80 टाइप की डिवाइसेस मिल रही हैं। तो अगर आप सैमसंग के फैन भी हैं तो गैलेक्सी A02 को आपको आज की डेट में कंसीडर नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं गैलेक्सी A02S की। अब ये फोन भी 5-6 महीने पहले आया, वैल्यू अच्छी नहीं देता आपको। अब इसमें देखा जाए स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट है, 14 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ चिपसेट है, पुराना चिपसेट है काफी। कंपटीशन में चीजें बहुत आगे चल रही हैं और बहुत बेटर चल रही हैं, यहाँ पे आपको नहीं दिया जा रहा। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर को भी स्किप करके कॉस्ट कटिंग की गई, मतलब एक अच्छी वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलती। प्राइस इसकी है 3/32 वाला जो वेरिएंट है 19 समथिंग में आया था, लेकिन अभी उसकी प्राइस 18,600 चल रही है, और जो 4/64 वाला इसका वेरिएंट है वो 21,400 समथिंग इसमें चल रहा है। प्राइस के हिसाब से इसके अगर फीचर देखा जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये एक अच्छी वैल्यू दे रहा आज की डेट में, और दूसरे ब्रांड आपको बेटर ऑप्शन दे रहे हैं। इस फोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली सैमसंग की डिवाइस जिसे आपको बच के रहना, वैल्यू नहीं अच्छी मिलेगी, वो है गैलेक्सी A12। अब ये डिवाइस 6 महीने पहले आती है, 29,000 प्राइस इसकी 4/64 वेरिएंट की। लेटर सैमसंग ने रियलाइज किया कि प्राइस हमने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दे दिया, तो प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए, तो 32,500 प्राइस कर दी गई। 34,000 रुपये पे इसका 4/128 वाला वेरिएंट आता है, हाईली ओवरप्राइस डिवाइस है ये वाली। इस सेगमेंट में आपको बेटर ऑप्शंस मिल रही हैं। एक TFT पैनल दिया गया 720p के रेजोल्यूशन के साथ, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं, एंड नो यहाँ पे कोई भी मजाक नहीं किया गया सुपर एमोलेड पैनल का। दूसरा एक अंडर पावर चिपसेट है हीलियो P35 का, एक पुरानी स्टोरेज टाइप है। इस सेगमेंट के अंदर ना प्राइस सेगमेंट के अंदर काफ़ी कंपेटिटिव मार्केट हो चुकी है, आपको बेटर ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। चार्जिंग स्पीड भी स्लो है। अगर मैं सम अप करूँ ना, तो गैलेक्सी A12 मुझे नहीं लगता कि आपको आज की डेट के अंदर एक अच्छी वैल्यू दे सकता है, आपको इस फोन को स्किप कर देना चाहिए। अगला फोन सैमसंग का जिसे बच के रहना है, वो है सस्ता OIS। जी हाँ दोस्तों, गैलेक्सी A22 रिसेंटली लॉन्च हुआ था, OIS हो रहा था सारा। OIS देने के चक्कर में ना यहाँ पे काफ़ी फीचर्स को डाउनग्रेड कर दिया, लाइक एक तो इसकी प्राइस भी ओवर चलेगी कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस आप कह सकते हो, लेकिन अगर इसकी प्राइस को नीचे भी लेके आया जाए तो चीज़ें समझ में नहीं आती। मतलब एक लो क्वालिटी की बिल्ड आपको देखने को मिलती है, प्लास्टिक वाली, कुछ ही दिनों में स्क्रैच हो गई। एक अंडर पावर चिपसेट है हीलियो G80 का, EMMC की स्टोरेज है, चार्जिंग भी 15 वाट की देखने को मिलती है। मतलब OIS देने के चक्कर में ना बाकी फीचर्स के ऊपर प्रैंक ही कर दिया सैमसंग ने अपने यूजर्स के साथ। इसको मैंने डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अगर मैं सम अप करूं ना, तो गैलेक्सी A22 आज के टाइम के ऊपर वर्थ नहीं करता, आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। अगली डिवाइस जिसे आपको बच के रहना सैमसंग की, वो है गैलेक्सी A32। अब ये 4 महीने पहले डिवाइस आई थी, तब इसकी प्राइस 42,000 थी, तो डिस्काउंट के बाद ना कुछ हद तक मामला सैमसंग लवर्स के लिए मैं कहता था कि हाँ देख सकते हो, अगर आप कंप्रोमाइज कर सकते हो थोड़ी सी चीज़ें। लेकिन अभी इसकी जो प्राइस है वो 46,000 हो चुकी है जी, आफ्टर गवर्नमेंट के टैक्सेशन। तो अभी ये ओवरप्राइस डिवाइस हो चुकी है। अभी सेगमेंट के अंदर आपको हीलियो G80, मतलब G80 46,000 रुपये की रेंज के अंदर, यार चीज़ें समझ से बाहर हैं। EMMC स्टोरेज है, आल्दो कैमरा फोटोग्राफी के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग नहीं है, 1080p 60fps नहीं है, और ना ही आपको यहाँ पे OIS देखने को मिलता है, और चार्जिंग की स्पीड्स भी यहाँ पे स्लो देखने को मिलती है। ठीक है, डिज़ाइन एक इनोवेटिव डिज़ाइन है, अच्छा है, लेकिन ओवरऑल पैकेज आपको एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। इस फोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। और अब जरा यहाँ पे बात करते हैं ओप्पो ब्रांड की कौन सी डिवाइसेज हैं जो आज की डेट में अवेलेबल हैं और अच्छी वैल्यू आपको नहीं देती, आपको बच के रहना है। पहली डिवाइस मेरे हिसाब से है ओप्पो A54। अब A54 4 महीने पहले आई थी 32,000 रुपये के प्राइस टैग के ऊपर, मतलब हद हो गई है हर एक चीज़ की। एक तो ना सस्ते नशों के साइड इफेक्ट, मुझे लगता है ओप्पो ना टुन हो गया सस्ते नशों के बाद, जो अगली स्टेप आता है ना उसका। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्लाइड के अंदर
लिख दी है, एक IPS पैनल है या 720p के रेजोल्यूशन के साथ। जब ये 4 महीने पहले डिवाइस आई थी तो एमोलेड पैनल आपको 1080p के अंदर देखने को मिल रहा था कंपटीशन में। अभी तो कंपटीशन और आगे निकल गया वैसे रेंज के अंदर, तो चिपसेट भी अंडर पावर्ड है, आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को नहीं मिलता, EMMC स्टोरेज है और चार्जिंग की स्पीड्स भी जस्ट 18 वाट है, कंपटीशन में 30 वाट 33 वाट चल रहा है। तो अगर सम अप करूँ ना, A54 आज के टाइम के ऊपर एक अच्छी वैल्यू नहीं देता, बच जाना इस डिवाइस से। अगली ओप्पो की डिवाइस जैसे आपको बच के रहना, वो है ओप्पो A15। 4-5 महीने पहले ये डिवाइस आती है पाकिस्तान में, 21,000 प्राइस थी, उसके बाद आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिला 1,000 रुपये का। अभी इसकी प्राइस 20,000 रुपये है और 3/32 दिया जा रहा है इसके अंदर। और जो चिपसेट है वो हीलियो P35 है, मतलब ये एक ना स्नैपड्रैगन 888 को कम्पीट करती है साइड बाई साइड ये चिपसेट, और सही कह रहा हूँ मैं, मतलब झूठ नहीं बोल रहा। और यहाँ पे अगर देखा जाए कंपटीशन में G70 G80 चल रहा है, ओप्पो अपनी धुन में ही खेल रहा है, अपने फैंस के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पे A15 को छुट्टी करवाओ, इसको नहीं लेना चाहिए आपको। और ओप्पो ने क्या किया, A15 के अंदर ना S लगाया छोटा सा और ले आए अपने A15S को, A15S को। स्टोरेज और रैम 4/64 कर दी गई, प्राइस भी इम्प्रूव कर दी गई 26,000 रुपये कर दी, और वही चीज़ें हैं, 10 वाट की चार्जिंग है, यहाँ पे अंडर पावर चिपसेट आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप समझदार बंदे हो तो आपको, अगर ओप्पो के फैन भी हो तो आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएंगी, इसको भी आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली ओप्पो की डिवाइस जिसे आपको बच के रहना, वैल्यू नहीं मिलेगी, वो है ओप्पो रेनो 5 प्रो। अब ये डिवाइस 5 महीने पहले आती है, 1,05,000 रुपये इसका प्राइस टैग था। अब रेनो 5 सीरीज़ के अंदर जो इसका छोटा भाई था ना रेनो 5, उसको मैंने जब बेस्ट प्राइस कैटेगरी की वीडियोज़ आती है मैंने बहुत बार रिकमेंड किया फोन को, बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर था यार, वो अच्छा फ़ोन था, यहाँ पे ब्लंडर कर दिया प्राइस के अंदर 1,05,000 रुपये। अभी रिसेंटली इसको 10,000 रुपये का प्राइस कट लगा, लेकिन मुझे लगता है कि 10,000 के कोई और 3 प्राइस कट लगने चाहिए, कोई ऐसा फीचर नहीं है उसकी हाई प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है। इवन दो रेनो की 6 सीरीज भी आ रही है, और ओप्पो की ऐसी हरकतों को देख के मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कुछ बेटर किया जाएगा, ओप्पो अपने फैंस के लिए कुछ बेटर करेगा। तो रेनो 5 प्रो जो है इसके अंदर फीचर्स आपको प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करते हुए मिलते, हाईली ओवर प्राइसड है, इतनी प्राइस के अंदर ब्रांड वर्थ भी नहीं है ओप्पो की, इस फोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। और दोस्तों वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रही है और आपका फोन जो है मेरी रॉन्ग फोन वाली लिस्ट में अभी तक नहीं आया, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, ताकि कोई भी आप में से रॉन्ग फोन को बाय ना करे। और आप भी कहते होंगे कि हर फोन को रॉन्ग फोन की लिस्ट के अंदर डाली जा रहा है, लेकिन भाइयों ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने चैनल के ऊपर रिसेंटली ये बेस्ट फोन्स की जो वीडियोस हैं प्राइस कैटेगरी के हिसाब से अपडेट की हैं, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आप इस वीडियो से फ्री होकर इन वीडियोज को भी देख सकते हैं। अगली ओप्पो की डिवाइस जिसे आपको बच के रहना है, वो है ओप्पो F19 प्रो। अब ये डिवाइस 50,000 रुपये के प्राइस टैग के ऊपर आई। अब इसका मैं ना जो F19 नीचे वाला वेरियंट है उसकी प्राइस 40,000 थी, 2 महीने पहले वो आया था, ये 4 महीने पहले आया था। अब उसकी प्राइस 40,000 थी, वो डेफिनेट अगर प्राइस उसको कट ना लगता तो वो आज मेरी लिस्ट के अंदर होता। बहरहाल 35 उसकी प्राइस हो गई है, 2-3,000 रुपये और डिस्काउंट मिल जाता है। 31-32 के अंदर ना ओप्पो फैंस उसकी तरफ देख सकते हैं, जो परफॉर्मेंस को लेकर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बिकॉज स्नैपड्रैगन 662 है उसके अंदर। अब मैं इस फोन की बात करता हूँ ना जिसको मैंने लिस्ट के अंदर डाल लिया है, इसके अंदर देखा जाए तो आपको 50,000 की रेंज के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा नहीं देखने को मिल रहे। इस सेगमेंट के अंदर आपको अच्छे कैमरा वाले और फोन दूसरे ब्रांड दे रहे हैं। यहाँ पे सुपर एमोलेड पैनल है, लेकिन कोई हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलता जहाँ पे दूसरे ब्रांड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो चिपसेट भी काइंड ऑफ एक काफ़ी टाइम से ओप्पो यूज़ किए आ रहा पुरानी है, P95 का मीडिया टैक का काइंड ऑफ एक अंडर पावर चिपसेट इसको कह सकते हो। तो अगर 45 के नीचे कहीं पर इस डिवाइस को इंप्लीमेंट किया जाता तो फिर कुछ चीज़ें समझ में आ सकती थी, लेकिन 50,000 रुपये के प्राइस टैग के ऊपर ओप्पो F19 प्रो के ऊपर आपको पैसे स्पेंड नहीं करने चाहिए, इस डिवाइस से आपको बच के रहना चाहिए। एक ओप्पो की डिवाइस मैं क्विकली डिस्कस करना चाहूंगा, अगर मार्केट में मिल रही हो तो मत लेना उस डिवाइस को, वो है ओप्पो A31। अब ये डिवाइस 1 साल पहले आई थी, 30,000 प्राइस थी, और सारे ड्रॉबैक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। घंटा वैल्यू आपको देखने को मिलती है, ओप्पो अपने फैंस के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो मोस्टली ये होता है ना, ओप्पो की डिवाइसेज लॉन्ग रन के अंदर चल रही होती है, मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और दुकानदार चिपका देता है कस्टमर को कि भाई ये बेस्ट फोन है, मतलब इससे ऊपर तो फोन ही कोई नहीं आया। तो ये डिवाइस अगर आपको मिल रही हो, आपको चिपकाई जा रही हो, तो बच जाना, अच्छी वैल्यू नहीं मिलती इस डिवाइस में। अगली जो ओप्पो की डिवाइसेज हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, बेसिकली वो ओप्पो की एफ सीरीज की डिवाइसेज हैं, F17 सीरीज की। और अभी F19 सीरीज को डिस्कस करने के बाद F17 सीरीज को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट के अंदर अवेलेबल हो सकती है, और बच के रहना आपको। F17 प्रो भी आपको नहीं लेना, 10 महीने पहले ये डिवाइस आई है और अंडर पावर चिपसेट है हीलियो P95 का। उस टाइम के हिसाब से इसकी प्राइस जब थी ना 52,000 आई थी, 45 के नीचे होना चाहिए था इसको, लेकिन फिर प्राइस कट बाद में लगाएगी जब होश आए सस्ते नशों से, तो
पर अभी पानी सर से गुजर चुका है भाई, कंपटीशन आगे बढ़ चुका है और ये डिवाइस आउट ऑफ कंपटीशन जा चुकी है। फीचर भी मतलब बैटरी भी देख लें, काफ़ी मतलब चीज़ें डाउनग्रेड है यहाँ पे। F17 Pro को भी आपको नहीं लेना और उसके बाद आपको F17 को भी नहीं लेना। ये 3839 के अराउंड इसकी प्राइस आई थी और ओप्पो की बेसिकली जो एफ़ सीरीज़ है ना दुनिया लेती थी कैमराज के लिए। F5 का मुझे पता है, मतलब F5 सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल गई, फिर F7 सीरीज़, फिर F9 सीरीज़, उसके बाद से फिर ब्लंडर स्टार्ट हो गए। तो F17 जो है ना इसको भी आपको नहीं लेना। मतलब स्नैपड्रैगन 662 आपको देखने को मिलता है, कैमराज भी मज़े के नहीं है, 8GB रैम का कोई फ़ायदा नहीं है 662 के साथ यहाँ पे। और बहरहाल ये जो F17 है अगर आपको मार्केट से मिले, 7 महीने पहले बेसिकली आया था ये फ़ोन, तो स्टिल आपको इसको कंसिडर नहीं करना, एक अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी इसके अंदर। अभी यहाँ पे कुछ बात करते हैं नोकिया ब्रांड की, कौन सी डिवाइसेज हैं वैल्यू नहीं देती जो आपको और बच के रहना है। पहली डिवाइस नोकिया G20 रिसेंटली आया पाकिस्तान की मार्केट के अंदर और वैल्यू नहीं दी जा रही। आज़ादी सेल दराज के ऊपर लगी है, वहाँ पे कुछ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं डिस्काउंट के साथ, लेकिन वर्थ नहीं करती भाई उस प्राइस के अंदर। 23,000 पे 464 वाला वेरियंट आया, जिसके अंदर अगर आप देखा जाए तो 720p का पैनल मिल रहा है, 10W की आपको नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिल रही है और G35 एक अंडर पावर चिपसेट है। कंपटीशन कहाँ पे चल रहा है और नोकिया कहाँ पे गेम खेल रहा है। और 4/128 वाला वेरिएंट है, आपने स्टोरेज और रैम भर भर के दे दी, लेकिन वही चीज़ें हैं, 720p का एक IPS पैनल है, कोई हाई रिफ्रेश रेट वाला मजाक नहीं है यहाँ पे, कोई एक अच्छा चिपसेट नहीं है। आप स्टॉक एंड्रॉयड को क्या करना है, नोकिया के अपडेट्स को क्या करना है जब हार्डवेयर ही अच्छा नहीं लगा रहे आप। तो ये चीज़ें हैं, एक ऐसा ब्रांड है जिसको देखते हुए बड़े हुए हैं, यकीन करें बड़ा दुख होता है इसकी जुबो हाली देखते हुए ना आज के टाइम के ऊपर। नोकिया की एक ब्रांड हुआ करता था जब सारा मार्केट शेयर नोकिया के पास हुआ करता, लेकिन आज इसको लीड करने वाले जो ब्रांड है वो लेट डूबे हैं। अब इसको जिस तरह चलाया जा रहा है, जो इसकी थोड़ी बहुत बची कुची वर्थ रह गई है वो भी डूब जाएगी। नोकिया G20 इसके दोनों वेरिएंट्स आपको नहीं लेने चाहिए, वर्थ नहीं मिल रही। इवन आज़ादी सेल के ऊपर जो प्राइस है वहाँ पे आपको वर्थ नहीं मिल रही इनकी। अगली जो डिवाइस है जिसे बच के रहना है वो है नोकिया C20। यार 13,500 की डिवाइस है, अभी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर देखा जाए ना तो यहाँ पे भी कुछ नहीं किया जा रहा है। ये सारे मैंने इस चीज़ें स्लाइड के अंदर लिख दी हैं। मतलब एक यूनी SoC जो है ना उसकी एक ओक्टा कोर चिपसेट है, ठीक है चिपसेट ओक्टा कोर है, लेकिन वो एक 28 नैनोमीटर वाली चिपसेट है। मतलब डे टू डे रूटीन टास्क भी अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती। और जो फ़ोन का फॉर्म फैक्टर है, बैटरी देख लो इसकी, मतलब अवॉइड कर लेना यार C20 को। आपको 15,000 रुपये के अंदर ना यूज्ड में बेटर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो अपने पैसे किसी अच्छी डिवाइस पर लगाना। और जो अगली नोकिया की डिवाइस है वो है नोकिया X10। X10 ये X सीरीज़ के अंदर दो डिवाइसेज आई थी, X10 ये छोटा भाई है उसका, 50,000 पे प्राइस है। अब यहाँ पे हिसाब लगाएं, आपको IPS LCD पैनल मिलता है, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं आपको दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे ठीक है चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन 480 आपको मिलता है, ये 5G चिपसेट है और अराउंड कहीं पे परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 720G के इक्वेलेंट आता है, और इस तरह का कुछ सीन है, बस नंबर पे ना जाइएगा। लेकिन बहरहाल ओवरऑल वैल्यू नहीं ना मिल रही आपको। चार्जिंग 18W की देखने को मिलती है यहाँ पे और नहीं, वैल्यू नहीं मिलती आपको। नोकिया X10 आपको 50,000 रुपये के ऊपर अपने पैसे जो है ना किसी और डिवाइस पे लगाने चाहिए, अच्छी डिवाइस पे, इसको स्किप कर देना। अगली जो डिवाइस है नोकिया की वो है X20। 55,000 पे प्राइस है, यहाँ पे भी सेम गेम है, IPS LCD पैनल, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, वही यहाँ पे स्नैपड्रैगन 480 का चिपसेट आपको देखने को मिलता है, तो इस प्राइस सेगमेंट में वो भी अंडर पावर्ड हो जाता है। 18W की चार्जिंग है और इस सेगमेंट के अंदर आपको पता है कौन कौन सी चार्जिंग चल रही है, क्या क्या स्पीड चल रही है। तो X20 अगेन एक अच्छी वैल्यू नहीं देता, इसको भी आपको स्किप कर देना चाहिए। और अब जरा यहाँ पे बात करते हैं Xiaomi ब्रांड की, कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जिनसे आपको मतलब अवॉइड करना, बच के रहना है। वैसे मोस्टली तो मैं आपको यही कहता रहता हूँ कि Xiaomi कभी गलती नहीं करता प्राइस के ऊपर, ये मैं नहीं कहता, ये Xiaomi ने प्रूफ किया है इस चीज़ के ऊपर। मतलब फ़ोन्स के साथ जो प्राइस और जो हार्डवेयर ऑफर किया जाता है, जो वैल्यू ऑफर की जाती है, वो सबके सामने है। लेकिन हैं कुछ एक दो डिवाइसेज जिनसे आपको अवॉइड कर लेना चाहिए तो बेटर है। पहली डिवाइस है Redmi Note 10s। अब ये जो Redmi Note 10s डिवाइस है ना, जब Note 10 Pro आपका अवेलेबल है 40 के अंदर, Poco का X3 Pro अवेलेबल है, तो इसको लॉन्च करने की चीज़ें मेरी माइंड में समझ में नहीं आई। तो प्राइस भी वहीं पे 40,000 के अराउंड दी गई, तो प्राइस भी थोड़ी सी ओवर चली गई। कुछ यहाँ पे बग्स इनिशियली देखने को मिले, जो मैंने रिव्यू किया इस डिवाइस को तब भी मुझे देखने को मिल रहे, तो स्टिल अभी इक्का दुक्का देखने को मिलते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँ ना रिव्यू का, आप उसको देख सकते हो। तो ये कि कैमरा ठीक है, लेकिन कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। गेमिंग यहाँ पे 60 FPS मिल जाती है, लेकिन स्टिल आज की डेट में भी उसके अंदर जो इश्यूज है ना पिंग को लेके, वो देखने को मिलते हैं, मतलब मेंटेन नहीं रख पाता। तो बहरहाल बेटर है कि आप Redmi Note 10s को अवॉइड कर लेना। अगर आपको जाना ही है तो आप फिर Redmi Note 10 Pro के साथ जा सकते हो, कोई 43,000-44,000 के अंदर आपको मिल जाता है, वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे वैल्यू आपको अच्छी मिल जाती है। और अगली जो डिवाइस आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है, नहीं लेनी, वो है Redmi 9।
पुरानी डिवाइस है लेकिन स्टिल अगर मार्केट में मिले तो मत लेना, जो भी ड्रॉबैक्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इससे बेटर डिवाइसेज शाओमी के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती हैं, मतलब 30,000 रुपये के अंदर आप जाना चाहते हो रेडमी नोट 10 ले सकते हो, या बेटर ऑप्शन यहाँ पर मैंने स्लाइड के अंदर मैंशन कर दी हैं। तो रेडमी 9 को अवॉइड कर लेना आज की डेट के अंदर। और उसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं कुछ और डिवाइस की, तो रेडमी 9A आप मत लेना। अब रेडमी 9A बिल्कुल एक एंट्री लेवल की डिवाइस है, जब ये 13.5 या 13 के अराउंड मिल रही थी डिस्काउंट के बाद, तो तब मैंने काफ़ी रिकमेंड किया। अभी इसकी प्राइस बढ़ चुकी है गवर्नमेंट के टैक्सेस के बाद, कोई 15-15.5 इस रेंज के अंदर एक अच्छा आपको यूज्ड फोन मिल जाएगा, या थोड़ा सा आप बजट को इंक्रीज करोगे तो अच्छी डिवाइस मिल जाएगी। रेडमी 9A अब आपको वैल्यू नहीं दे पाएगा, इसको आपको अवॉइड कर लेना चाहिए। और इन्फिनिक्स की अगर यहाँ पे बात करें कौन सी डिवाइसेज हैं जो अच्छी वैल्यू नहीं देती और आपको बच के रहना है, तो वैसे तो इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जिसने बजट रेंज के अंदर पिछले पास्ट कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रिप बना ली है, अच्छे फीचर्स देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बहरहाल अभी भी कुछ डिवाइसेज हैं जो आपको अवॉइड कर लेनी चाहिए और इन्फिनिक्स में ही आपको बैटर मिल जाती हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन्फिनिक्स की हॉट 9 जो सीरीज़ है, इसमें हॉट 9 प्ले, हॉट 9 के कुछ वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, तो पुरानी हो गई है, अब इसको अवॉइड कर लेना। इन्फिनिक्स में ही आपको बैटर ऑप्शंस मिल जाते हैं 20,000 की रेंज के अंदर, और बैटर ऑप्शंस भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा स्लाइड के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 सीरीज़। स्मार्ट 5 सीरीज़ बिल्कुल बेसिक एंट्री लेवल के ऊपर है, लेकिन यह है कि 2-3 हज़ार रुपये ऊपर लगा के आपको बैटर ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्फिनिक्स में ही, या फिर आप टेक्नो में जा सकते हो। स्मार्ट 5 जो है इसके 2-3 वेरियंट है, एक तो रिसेंटली है स्मार्ट 5 प्रो 232 15-16 के अंदर वेरियंट, पर स्मार्ट 5 के जितने वेरियंट है इसको आपको स्किप कर देना चाहिए, बेटर है थोड़ा सा ऊपर जाके बेटर डिवाइस आप ले सकते हो इसके अंदर। फर्दर कुछ डिवाइसेज की बात करें इन्फिनिक्स की, तो हॉट 10 प्ले जो डिवाइसेज हैं इसके 3 वेरिएंट्स हैं, 232, 332 वाला 17 में है और 464 वाला इसका 19,000 रुपये में है। चिपसेट थोड़ी वीक है, अब आपको थोड़े से और पैसे मिला के इन्फिनिक्स के अंदर ही ये बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक हॉट 10S हो गया, हॉट 10i मिल जाएगा आपको, अच्छा फ़ोन है, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे मिल जाएगा, टेक्नो में ले सकते हो। लेकिन हॉट 10 प्ले के जो तीनों वेरियंट्स हैं यहाँ पर आपको एक अंडर पावर टाइप परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और कुछ बेटर वैल्यू भी नहीं मिलती, तो इनको आपको स्किप कर देना चाहिए। इन्फिनिक्स के बाद यहाँ पर बात करते हैं टेक्नो ब्रांड की, कि उसकी कौन सी डिवाइसेज हैं जो नहीं लेनी चाहिए। और इन्फिनिक्स की तरह ही टेक्नो ने भी 15-20-25-30-40 हज़ार रुपये के रेंज के अंदर अच्छी ग्रिप कर ली है मार्केट के अंदर, और कुछ बेटर हार्डवेयर देना स्टार्ट कर दिया है। बहरहाल कुछ डिवाइसेज हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अवॉइड करनी चाहिए, वो है स्पार्क 6 गो। अब इसके 3 वेरियंट्स हैं, तीनों वेरियंट्स को आपको स्किप कर देना चाहिए आज की डेट के अंदर, और बेटर ऑप्शन के अंदर आप स्पार्क 6 को ले सकते हो। अगर आपको मिल रहा है तो पुराना, लेकिन अगर मिल रहा है तो स्पार्क 6 के साथ जा सकते हो, गो एडिशन को नहीं लेना आपने। या फिर स्पार्क 7 आप बाय कर लो, या फिर आप बाय कर लो स्पार्क 7 प्रो को ले लो, इस तरह की बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं थोड़े थोड़े, मतलब अगर आप गुड डालते जाएं ना तो आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाती हैं। स्पार्क 6 गो के जो तीनों एडिशंस हैं इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। और आप जरा यहाँ पे बात करते हैं रियलमी ब्रांड के वो कौन से फ़ोन हैं जो अच्छी वैल्यू नहीं देते, आपको नहीं लेने चाहिए। तो पहली डिवाइस है रियलमी C25। अब रियलमी C25 जो है इसकी प्राइस 30,000 रुपये थी, और इसको प्राइस कट लगा 3,000 रुपये का, 27 पे आ गई है प्राइस, कोई डिस्काउंट विस्काउंट भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन इसके जो फीचर्स हैं ना, इसके अंदर जो TUV राइनलैंड को हाईलाइट किया गया, मतलब ठीक है मिलती है ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर, इस तरह के जो मिलने चाहिए, लेकिन एक वैल्यू नहीं बनती। G70 एक अंडर पावर्ड हो जाता है, जब मुकाबले में आपको G80 मिल रहा हो, या G85 मिल रहा हो, या G90T इवन मिल रहा हो 26-27 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर, तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो C25 को आपको आई थिंक आज की डेट के अंदर स्किप कर देना चाहिए, आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अंदर। अगली डिवाइस है यहाँ पे रियलमी C15। अब C15 जो रियलमी है ये भी 7-8 मंथ पहले आया मार्केट में, अगर आपको कहीं पे मिलता है तो मत लेना इसको, पुरानी हो चुकी है और रेस से अब आउट हो चुकी है। एक अंडर पावर चिपसेट है, एक आपको मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 460 का देखने को मिलता है, ये क्वालकॉम एडिशन आया था। तो बाकी के जो फीचर्स हैं 25-26 की रेंज के अंदर, आई डोंट नो कि कोई सेल वेल चल रही है कहीं पे भी, तो इस सेगमेंट के अंदर आउट ऑफ रेस हो चुका है, आउट ऑफ कंपटीशन हो चुका है, C15 को भी आपको नहीं लेना चाहिए। और एक और डिवाइस को यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, है तो वो 10 मंथ पुरानी, लेकिन अगर आपको मिले तो आपको अवॉइड कर लेना चाहिए, वो है रियलमी C17। अब ये उस टाइम पे आई थी 90 हर्ट्ज़ लेके आती है, एक आपको IPS पैनल देखने को मिलता है, एक अंडर पावर चिपसेट है स्नैपड्रैगन 460 का, और 27-28 हज़ार रुपये इसकी प्राइस थी। अगर कहीं पे आपको मिले दुकानदार चिपकाने की कोशिश करे तो ये आपको अच्छी वैल्यू नहीं देती। C
सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको और अच्छी डिवाइसेस मिल जाती हैं जो मैंने यहाँ पे स्लाइड के अंदर मेंशन कर दी हैं। तो C17 को भी आपको आज की डेट के अंदर स्किप कर देना चाहिए। और अब जरा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वीवो ब्रांड की वो कौन सी डिवाइसेज हैं जो वैल्यू नहीं देती, आपको बच के रहना चाहिए। अब बजट रेंज से स्टार्ट करते हैं। वीवो Y12a ये एक डिवाइस है, 20,000 रुपये के अंदर मिलती है, वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन लेके आती है, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन से गुजारा नहीं किया जा सकता। 3/32 कम्बिनेशन एक वीक कम्बिनेशन है, चिपसेट अंडर पावर्ड है, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। इस डिवाइस को आपको अगर आप वैल्यू फॉर मनी एक डिवाइस चाहते हैं तो फिर आपको इस डिवाइस को स्किप कर देना चाहिए। और एक और मिलती जुलती डिवाइस है इसी से रिलेटेड, वो है वीवो Y12s। ये एस वाली पहले आई थी, इसके अंदर चिपसेट है हीलियो P35 का, वो अंडर पावर्ड है 20,000 के ऊपर, और बाकी जो इसका 3/32 का कम्बिनेशन मिल रहा है दूसरे ब्रांड बेटर वैल्यू दे रहे हैं। तो Y12s को भी आपको स्किप कर देना चाहिए, ऑल दो डिज़ाइन इसका भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो डिवाइस है वो है वीवो की Y31। अब इसको मैंने रिव्यू किया था, 35,000 प्राइस थी, 3,000 रुपये का प्राइस कट लगा, लेकिन 32,000 रुपये के ऊपर इसके जो फीचर्स हैं वर्थ नहीं करती स्टिल। बाकी ये कि अगर आप वीवो के फ़ैन हैं, खूबसूरत डिज़ाइन आपको चाहिए 26-27 में मिले, तो फिर आप देख सकते हो इसकी तरफ, अगर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। बाकी एक अंडर पावर चिपसेट है, IPS पैनल है, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, कोई फास्ट चार्जिंग आपको 30 वाट वाली नहीं मिलती है, 18 वाट वाली इसके अंदर मिलती है, तो एक वैल्यू अच्छी नहीं बनती। तो Y31 को आई थिंक आपको स्किप कर देना चाहिए। फर्दर कुछ वीवो की डिवाइसेज जो मैं रिकमेंड नहीं करता वो है वीवो Y20। अब एक तो काफ़ी टाइम पहले ये डिवाइस आई थी, अभी एक शायद कुछ रिसेंट भी आई है Y20 डिवाइस, बरल जो भी है ये डिवाइस अपने डिज़ाइन की वजह से बहुत बिकी है और ज़्यादातर यूज़र को परचेज करने के बाद ही पता चला है कि हो गया साढ़े ना। बरल ये जो है ना अंडर पावर चिपसेट के साथ आती है, रैम और स्टोरेज का कम्बिनेशन अंडर पावर्ड है, यहाँ पर आपको प्राइस ओवर देखने को मिल रही है 26,000 रुपये, कंपटीशन के हिसाब से आपको चीज़ें बेटर मिल जाती हैं। तो वीवो Y20 को आपको नहीं लेना चाहिए आज की डेट के अंदर। और अगर मैं फर्दर एक डिवाइस की बात करूँ तो वो है वीवो Y20s। इसकी प्राइस 30,000 रुपये है और ये Y20 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वेरिएंट है, जहाँ पे स्टोरेज को 64 से 128 कर दिया, फास्ट चार्जिंग 18 वाट की ऐड कर दी गई और फर्दर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है किए गए। एक अंडर पावर चिपसेट है, स्नैपड्रैगन 460 का मिलता आपको और रेजोल्यूशन भी बेटर देखने को नहीं मिलता। तो ये डिवाइस भी Y21s अगर आपको आज की डेट में मिल रही है तो इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली वीवो की डिवाइस जो आपको नहीं लेनी वो है वीवो Y51s। अब ये 6 महीने पहले डिवाइस आई 40,000 रुपये के ऊपर, अभी इसको रिसेंट प्राइस कट के बाद ना कोई 35-36 प्राइस है, लेकिन जो इसके फीचर्स है ना एक हाईली अंडर पावर चिपसेट इस प्राइस रेंज के हिसाब से, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता, ऑल्दो डिज़ाइन बड़े खूबसूरत बनाता है वीवो, लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं उनको भी बैलेंस करना चाहिए इस रेंज के अंदर। तो Y51s को आपको स्किप कर देना चाहिए। और अगली जो डिवाइस है यहाँ पे स्किप करनी है वो है वीवो V20 SE। अब ये भी V20 SE 8-9 महीने पहले आई पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 665 है और प्राइस इसकी थी 46,000, फिर बाद में 42 हो गई, मे बी डिसकंटिन्यू हो गई हो, बिकॉज आगे एक अच्छी डिवाइस वीवो ने आपको दे दिया, वीवो V21e वाली, वो एक अच्छी और वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, आप उसको ले सकते हो, मैंने उसको रिव्यू किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। बहरहाल वीवो V20e को आज की डेट के अंदर आपको स्किप कर देना चाहिए, ना आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता, बाकी जो इसके डाउनग्रेड्स हैं जो कॉन्स हैं वो मैंने यहाँ पे स्लाइड के अंदर मेंशन कर दिए हैं। और अब जरा यहाँ पे बात करते हैं वन प्लस ब्रांड की, बिकॉज वन प्लस भी ऑफिशियल आ चुका है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर और कुछ डिवाइसेज ऑफर की जा रही हैं, तो मैंने उनको चेक किया और कौन सी डिवाइसेज हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, वैल्यू नहीं मिलती। पहली डिवाइस है वन प्लस नोड CE 5G। अब ये डिवाइस दो वेरियंट्स आते हैं इसके, प्राइस इसकी मतलब 12,256 वाला जो वेरियंट है 79,000 रुपये और इसका जो 8,128 वाला वेरियंट है उसकी प्राइस कहीं पे मेरे 65,000 रुपये रखी गई। आज़ादी सेल के ऊपर प्राइसेस चल रही हैं 58,500 और आई थिंक कोई 70,000 रुपये के अराउंड 12,256, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा ओवर प्राइस इस रेंज के अंदर। वन प्लस का यहाँ पे जो सिग्नेचर फीचर होता है ना एक अलर्ट स्लाइडर, वो उठा लिया गया भाई इस फोन में से। और दूसरा चिपसेट भी अंडर पावर्ड है, स्नैपड्रैगन 750G इस रेंज के अंदर मिल रहा है, ऑल्दो 5G चिपसेट है लेकिन ये चिपसेट हम MI 10T के अंदर अंडर 50,000 देख चुके हैं। तो परफॉर्मेंस अंडर पावर्ड है, दूसरे ब्रांड इस रेंज के अंदर आपको बेटर दे रहे हैं और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बैठ के इसके रिव्यूज़ वगैरह चेक किए, अपनी पूरी वर्किंग करने के बाद मैं इसको लिस्ट के अंदर लेके आया हूँ इसकी, और सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे जितने रिव्यूज़ मैंने देखे हैं वहाँ पे कहीं पे मुझे बेटर देखने को नहीं मिली। कैमरा की परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं पे प्राइस रेंज के हिसाब से इतनी मज़े की नहीं दिखी मैंने जितने रिव्यूज़ देखे हैं। तो नोट CE जो है वन प्लस का, ये मेरे हिसाब से आपको एक अच्छी वैल्यू नहीं देता और यही रीज़न है यार, देखें वन प्लस के जो मतलब एक प्रीमियम फ़ोन है लाइक 7T हो गया, 8T जैसे जो क्लोनिंग IME क्लोनिंग के साथ आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर, तो वन प्लस के जो फैंस हैं उनको बाय कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, वन प्लस अगर ऑफिशियल आ गया है तो उनको अच्छी वैल्यू नहीं दे रहा, हालांकि वो फ़ोन्स बाय करना एक क्राइम है, एक मतलब इलीगल चीज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती। नोट CE को आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली जो डिवाइस वन
OnePlus की आपको नहीं बाय करनी, वो है OnePlus Nord। अब OnePlus Nord नो डाउट एक बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है, इसके अगर फीचर्स को देखा जाए, लेकिन अगर प्राइस ही आपको कंपेटिटिव नहीं मिल रही, आपको वैल्यू नहीं मिल रही, प्राइसेज अन्य वाह ऊपर नीचे जा रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब इसका जो 8128 वाला वेरियंट है वो पाकिस्तान के अंदर कोई मेरा 90,000 में आया था, फिर 79,000 प्राइस है उसकी, और इसका जो 12256 वाला वेरियंट है वो पाकिस्तान के अंदर 1,00,000 रुपये की प्राइस के ऊपर मिल रहा है, जो द्राज के ऊपर वन प्लस का स्टोर है, और यूनाइटेड मोबाइल जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है इनके पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे वो 95,000 का बेच रहे हैं, और यही 12256 वाला वेरिएंट इंडिया में 30,000 रुपये का है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, मतलब क्या इसके अंदर आपने पुट कर दिया कि पाकिस्तान में आप 1,00,000 के ऊपर सेल कर रहे हो। तो यही वो रीज़न है, मतलब 1,00,000 रुपये की प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी वर्थ नहीं है इस फोन की। जो फ़ोन आप दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अच्छी प्राइस के ऊपर दे रहे हो, आपको पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी प्राइस के ऊपर देना पड़ेगा। अब OnePlus Nord को अभी के लिए आपको स्किप कर देना चाहिए, आपको वैल्यू नहीं मिलती इस फोन के अंदर। अगली डिवाइस OnePlus की जो आपको अच्छी वैल्यू नहीं देगी, आपको बच के रहना है, वो है OnePlus Nord N10। ये डिवाइस 6 महीने पहले आती है जी, 70-75 प्राइस थी, फिर इसको सेल लगाएगी 60,000 रुपये के अंदर बेचने की कोशिश की गई, और बिकॉज प्राइस ज़्यादा थी नहीं बिकी अभी आज़ादी सेल के ऊपर, मतलब खुले हाथों से डिस्काउंट चल रहे हैं, 40,000 रुपये के ऊपर ये डिवाइस मिल रही है, और स्टिल मैं आपको कहूँगा कि बच जाओ इस डिवाइस से। यहाँ पे अब 40,000 रुपये का भी जो कंपटीशन है ना प्राइस रेंज के अंदर, वो काफ़ी आगे चला गया है। OnePlus वालों को अब इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। इस फ़ोन के अंदर देखा जाए तो आपको बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो एक पुराने डिज़ाइन की फील देता है आपको, और ऑक्सीजन OS के साथ OnePlus जो है ना अब कलर ओएस को मिक्स कर रहा है, तो ऑक्सीजन ओएस ना काइंड ऑफ एक ट्रेडमार्क है OnePlus का, तो अगर यहाँ पे चीज़ें मिक्स करेगा तो फिर मैंने इसके रिव्यूज जो देखे हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन मुझे इतनी बेटर नहीं लगी। एक IPS पैनल है, मतलब 40,000 रुपये के अंदर आपको ठीक है 90 Hz मिल रहा है, लेकिन एक IPS पैनल आपको देखने को मिल रहा है, जो 690 आपको स्नैपड्रैगन मिल रहा है यहाँ पे, वो इतना मज़े का नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ ठीक कह सकते हो, ज़्यादा सेल खत्म हो जाएगी फिर प्राइस इसकी वहीं पर 60,000 रुपये के ऊपर चली जाएगी। तो OnePlus Nord N10 मेरी समझ में तो नहीं आता, आपको आज की डेट में इस डिवाइस को कंसीडर नहीं करना चाहिए, और इसके अंदर OnePlus का जो सिग्नेचर फीचर है अलर्ट स्लाइडर, वो भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लिस्ट की वो डिवाइसेस जो रॉन्ग फोन्स थे, जो अच्छी वैल्यू आपको नहीं देते थे, वो मैंने सारे आपको बता दिए। मैंने पार्ट्स के अंदर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने लंबी वीडियो बना दी, आप इसी वीडियो के अंदर देख लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर देना, ताकि कोई भी आपका दोस्त या आपके फैमिली फ्रेंड्स रॉन्ग फोन्स को बाय ना कर बैठे अगर वो मेरे ओपिनियन से फोन लेते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।